आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब ओपनिंग्स इन मुंबई के बारे में जो अवेलेबल है स्पेसिफिकली हार्बर लाइन के लिए। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपको कौन कौन से कंपनीज में वैकेंसीज मिलेगी, बेसिकली नेम ऑफ दोज कंपनीज, फिर उसके बाद में वहाँ ये कौन कौन से लोकेशंस में अवेलेबल है, और उसके बाद में वहाँ पे सैलरी रेंज कितनी होगी, और वहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है, वहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन और कोई और भी रिक्वायरमेंट है क्या। तो इस सब की जानकारी आज आपको मिलेगी इसी वीडियो में। आपने क्या करना है, आपको ये वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप है नए इस चैनल पे तो आप कर देंगे इस चैनल पे सब्सक्राइब, क्योंकि आपको ऐसे ही जॉब से रिलेटेड, इंटरव्यू को क्रैक करना है इससे रिलेटेड, और भी अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड सब की जानकारी मिल जाएगी इस चैनल पे। मेरा नाम है शोहे पटेल एंड पेशे से मैं हूँ एक रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, एंड ओवर द इयर्स आई रिक्रूटेड फॉर मेनी BPOs, KPOs एंड फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर्स एज वेल। तो आपको ये जो भी पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है एक रिलायबल सोर्स से मिल रही है, आप उसके बारे में फॉर श्योर रह सकते हैं। और हाँ, एक और चीज, आपको इनमें से किसी भी के लिए कोई पैसे पे नहीं करने। बहुत सारे जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो जॉब के लिए पैसे मांगते हैं। आप यार एक चीज समझो, आप खुद जॉब ढूंढ रहे हैं यानी कि आप पैसे कमाने जा रहे हो, उस दौरान अगर आप पैसे पे कर रहे हो तो ये बहुत ही गलत बात है। यू डोंट हैव टू पे एनी मनी फॉर इट। इसके पहले भी मैंने दो वीडियो बनाए हैं जो कि है जॉब ओपनिंग इन वेस्टर्न लाइन, फिर है जी सेंट्रल लाइन। अगर वो दोनों ही आपको देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो मैं उसको आई बटन में भी डाल दूंगा। जो लोकेशन है पहली है वो है घनसोली। घनसोली बेसिकली वहां पर IT पार्क है, ठीक है। सो घनसोली में बहुत सारे लोग, लेट्स से फ्रॉम वाशी कैन ट्रैवल ओवर देयर, पीपल फ्रॉम ऐरोली कैन ट्रैवल ओवर देयर, पीपल फ्रॉम थाने कैन ट्रैवल ओवर देयर। एंड बेसिकली वहाँ पे जो अलग अलग कंपनी है, मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहली कंपनी है जी हेक्सावेयर। हेक्सावेयर में बेसिकली जो वैकेंसीज होती हैं वो होती हैं जी इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स के लिए। वहाँ पर ज़्यादातर आपको लेट्स से जो प्रोसेस मिलेंगे वो मिलेंगे जी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के, और वहाँ पर आपको बैक एंड प्रोसेस की भी हायरिंग चलती है। वहाँ की जो सैलरी रेंज है वो है इन बिटवीन लेट्स से 12,000 to 18,000 फॉर डोमेस्टिक, एंड फॉर इंटरनेशनल दे आर पेइंग इन बिटवीन 15,000 to 22,000। अब उसके बाद में जो दूसरी कंपनी है कॉल्ड ऑल्ट्रियस, ये बेसिकली एक डोमेस्टिक प्रोसेस है। वहाँ पर आपकी अगर इंग्लिश उतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं है तो भी आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ डोमेस्टिक वन, एंड वहाँ पे आपको सैलरी मिलती है इन बिटवीन 10,000 to 15,000। और वहाँ पे जो प्रोसेस होते हैं वो जी इनबाउंड आउटबाउंड प्रोसेस के होते हैं, एंड कई बार बैक एंड की भी वहाँ पे हायरिंग होती है। फिर उसके बाद में घनसोली में आपको और भी अलग अलग कंपनीज मिल जाएगी, जैसे कि देर इज एजीज। एजीज बेसिकली काम करता है ज़्यादा करके लेट्स से जो बैंकिंग प्रोसेस होते हैं उसके लिए काम करते हैं वो लोग, एंड बैंकिंग प्रोसेस में उनके पास में इनबाउंड आउटबाउंड की ओपनिंग्स होती हैं, जो इंश्योरेंस से रिलेटेड, लेट्स से लोन से रिलेटेड, सेल्स का बेसिकली ज़्यादातर तो काम होता है। सैलरी दोज पीपल आर ऑफरिंग इन बिटवीन 10,000 to 15,000 एंड प्लस इंसेंटिव्स ऑफ कॉर्स। तो ये सब जी होता है वहाँ पर। यहाँ पर आपको मिल जाएंगी जी प्योरली डेशर जो कि डोमेस्टिक होती है, एंड और भी अलग अलग लेट्स से वहाँ पे कंपनीज अवेलेबल हैं, और HDFC सेल्स भी अवेलेबल है। HDFC सेल्स में ऑफकोर्स पूरा जो HDFC का जो सेल्स का काम होता है, लोन्स का, क्रेडिट कार्ड का, तो वो सब का काम वहाँ पे चलता है। और इसके अलावा जी घनसोली जब खत्म हो गया, उसके बाद में हम चलते हैं जी ऐरोली में। ऐरोली में भी दो तीन कंपनीज अवेलेबल हैं। पहली जो मुझे सब में ज़्यादा पसंद है, दैट इज गैप्स। गैप्स में जो मुझे सब में ज़्यादा सिंपल लगता है, वहाँ पे AR का प्रोफाइल होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल का, बेसिकली हेल्थ केयर का प्रोसेस है। वहाँ पे आपको मिल जाएगा जी US प्रोसेस, सो प्योरली इंटरनेशनल प्रोसेस है तो आपको नाइट शिफ्ट होती है वहाँ पर। फिर हम चलते हैं जी ऐरोली की तरफ। ऐरोली पे वहाँ पे दो से तीन कंपनीज अवेलेबल है। फर्स्ट इज एक्सेंचर, देन टेक महिंद्रा, देन गैप्स। ये तीनों ही कंपनी में लेट्स से इंटरनेशनल प्रोसेस होते हैं ज़्यादातर, और टेक महिंद्रा में आपको डोमेस्टिक प्रोसेस भी मिल जाएंगे। सैलरी रेंज इनकी होती है इन बिटवीन 12,000 टू
15,000 or let's say 16,000 for domestic one, and in international they are offering in between 15,000 to 22,000. In Accenture, most of the cases they are offering 25, 28, 30,000 तक भी देते हैं. सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि कैसे रिक्वायरमेंट वहाँ पे अवेलेबल है. वहाँ पे आपको मिलेंगे जी इंटरनेशनल प्रोसेस. सो इन दैट व्हाट दे आर लुकिंग आउट फॉर अ कैंडिडेट हु हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है. एंड अगर आपका लेट्स से एक्सपीरियंस है किसी बीपीओ में आपने काम करा हुआ है, सो बेसिकली व्हाट यू विल गेट, बेसिकली यू विल बी गेटिंग अ हाइक ऑन योर लास्ट राउंड. ऐसे ही चलता है. अब यहाँ पर जो प्रोसेस है वो ज़्यादातर होते हैं ईमेल एंड बैकएंड के होते हैं. एक्सेंचर में कस्टमर सर्विस भी होते हैं और बाकी जो दोनों कंपनीज में वो भी आपको मिल जाएंगे जी इनबाउंड और आउटबाउंड प्रोसेस. इसके अलावा चलते हैं जी वाशी. वाशी में भी ऑफकोर्स बहुत सारे आईटी पार्क हैं. वहाँ पे भी दो से तीन कंपनीज में हायरिंग चालू है. पहली कंपनी है जी अल्टीसोर्स. अल्टीसोर्स बेसिकली इंटरनेशनल बीपीओ है जिसका नाम अभी टीएसआई हो गया है. फिर उसके बाद में देर इज कार वाले, और फिर उसके बाद में वहाँ पे आईसीसीआई लोम्बार्ड है. वहाँ पे और भी दो से तीन कंपनीज हैं जहाँ पे बेसिकली हायरिंग चल रही है, और उसके लिए वहाँ पर जो प्रोसेस है वो है जी इनबाउंड आउटबाउंड प्रोसेस. इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर डोमेस्टिक वन यू कैन गो फॉर दैट. इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर इंटरनेशनल वन यू कैन अप्लाई फॉर दैट एज वेल. सैलरी रेंज दे हैव इज इन बिटवीन, इफ़ यू अप्लाइंग फॉर डोमेस्टिक अगैन इट इज इन बिटवीन 10 to 15 or 16,000. इफ़ यू अप्लाइंग फॉर इंटरनेशनल प्रोसेस दे आर पेइंग इन बिटवीन 15,000 to 22,000. एंड अगर आप इंटरनेशनल में अप्लाई करेंगे सो ऑफकोर्स ऐसे होगा कि आपको सैटरडे संडे मोस्टली ऑफ मिलता है, एंड उनके जो शिफ्ट होती है वो बेसिकली नाइट शिफ्ट होती है. सो दिस इज इट. आई होप यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. इफ यू वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन वॉट यू कैन डू इज दिस इज आर ईमेल आईडी. यू कैन कॉन्टैक्ट अस ओवर देयर. एंड ईमेल के अलावा अगर आपको लेट्स से कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट में भी पुट कर सकते हैं. आई एम देयर टू असिस्ट यू फॉर श्योर. अगर आपको मिली होगी इस पूरे वीडियो से वैल्यू, आप कर देना इस वीडियो को लाइक ताकि मुझे पता चलेगा कि यार हाँ यार मेरा काम जो है लोगों को पसंद आ रहा है. अब इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो भी कमेंट कर देना. मैं हो सकेगा तो आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, बिकॉज अगर वो क्वेश्चन आपको है क्या पता किसी और को भी हो सकता है. अभी के लिए जी मेरा नाम है शोहेब पटेल, एंड अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं दिस इज माई लिंक्डइन. आप मेरे को वहां पे पिंग कर देना. आई एम देयर टू असिस्ट यू अगेन. अभी के लिए चलिए बाय बाय.